নমস্কার ভিউয়ার্স, আর আমার সোমেন পল, আর আপলোক দেখবেন পেট সিম্পায় নাম কা আপকার আমার ইউটিউব চ্যানেল। তো আজ যে টপিক হ্যায় জিসকে বারে মে আপ লোগোসে শেয়ার করনা হ্যায় ওয়া কি ককটেল কে বারে মে। তো আব ইস সমর কে টাইম পে, ইস সমর কে সিজন পে ককটেল কা ধ্যান অর কেয়ার কেসে কর সকতে হ্যায়, ইয়ে ভিডিও ইসি টপিক কে বারে মে হ্যায়। তো আপকো কিয়া করনা হ্যায়, আপকে পাস আগার এক পেয়ার ইয়া দো পেয়ার ইয়া ককটেল কে কলোনি হ্যায়, ঠিক হ্যাঁ, তো আপনি কেয়ারিং কেসে কর সকতে হ্যাঁ। তো দেখি ফার্স্ট যো হ্যায় কি আপকো ককটেল কো এসি জায়গা পর রাখনা পড়েগা। আগর আপ আউটডোর মে রাখতে হ্যায় তো কোই বাত নেই, লেকিন আগর আপ ইনডোর মে রাখতে হ্যায় তো আপকো বহুত হি জ্যাদা ধ্যান দেনা পড়েগা। আগর আপ ইনডোর মে রাখতে হ্যায় তো আপকো হাওয়া কি ভেন্টিলেশন কা খেয়াল রাখনা পড়েগা, মতলব কি এক তরফ সে হাওয়া আয়ে অর দূসরি তরফ সে হাওয়া নিকল যায়, এসা আপকো নজর দেনা পড়েগা। अगर आप आउटडोर में रखते हैं तब भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आउटडोर में रखने से जो धूप आती है वो धूप बहुत ही डेंजरस होता है। दोपहर 12 बजे से दोपहर 4 बजे का जो धूप होता है वो बहुत डेंजरस होता है। आउटडोर में अगर आप कॉकरी को रखते हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि धूप से बचाए, कुछ चादर वगैरह ढक दें या फिर किसी सेट के नीचे आपका सेटअप करें, तो एकदम खुले में धूप में मत रखिए। तो आउटडोर और इंडोर का आपको तो समझ में आ गया होगा, और आते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आपको पानी, जो पानी होता है फीडर या फिर पानी या फिर आप किसी भी पॉट में जब जो पानी देते हैं वाटर पॉट में, तो वो पानी का जो पॉट है वो डेली बेसिस पे चेंज कीजिए, ठीक है। मतलब कि एक दिन पुराना गंदा पानी इसे मत दीजिए, इसे हर टाइम पानी चेंज करते रहिए दिन में एक बार या दो बार, क्योंकि कॉकटेल को गर्मी के सीजन में गंदा पानी खाना पसंद नहीं है, और खाएंगे तो बहुत सारे बीमारी वगैरह के लगने के चांसेस हो जाते हैं। तो आप पानी डेली बेसिस पे चेंज कीजिए, और कोशिश कीजिएगा कि ठंडा पानी देने की कोशिश कीजिएगा। फ्रिज में जो पानी आप रखते खाते हैं, ठीक है, आप उस ठंडे पानी को देने की कोशिश कीजिएगा, और ज़्यादा ठंडा मत दीजिए, हल्का सा ठंडा पानी देने की कोशिश कीजिए। जब आप फ्रिज से पानी बोतल निकालेंगे तो पानी को ठंडा या गर्म को मिक्स करके आप दे सकते हैं, ऐसे करके देंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा। और जो अगला जो मेरा थर्ड जो टॉपिक है, थर्ड जो पॉइंट है, वो है कि आप सॉफ्ट फूड डेली बेसिस पे इसे दीजिए। डेली का मतलब है कि आप डेली अगर ना दे सके तो वीक में 2 बार या 3 बार से ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए, ठीक है, 3 से 4 बार सॉफ्ट फूड देने की कोशिश कीजिए। क्योंकि समर के टाइम पे कॉकटेल वगैरह या फिर हर एक ऑस्ट्रेलियन बर्ड्स दाना वगैरह को खाना उतना पसंद नहीं करते, और ये दाना वगैरह बहुत ही हीट पैदा करता है इसके शरीर के अंदर, क्योंकि अब समर का टाइम है, बहुत सारे गर्मी है, बहुत ही गर्मी है, टेम्परेचर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो आप अगर सॉफ्ट फूड देंगे दिन में वीक में 3-4 बार, तो सॉफ्ट फूड अगर ये खाएंगे, सब्जी फ्रूट्स वेजिटेबल्स पेड़ पत्ते, ठीक है, अगर ये खाएंगे तो इसको कुछ हद तक इसकी बॉडी बॉडी टेम्परेचर आपकी बर्ड्स की ठंडा रहेगा, ठीक है। और समर के जो फूड होते हैं आप कोशिश कीजिएगा कि उस फूड को देने की, क्योंकि समर में उस जो फूड होता है समर का फूड देने से इसका शरीर का जो टेम्परेचर है वो ठंडा रहेगा, जैसे कि हम इंसानों का ठंडा रहता है, जैसे कि मैंगो हो गया, लीची हो गया, वाटरमेलन हो गया, ठीक है, बहुत सारे समर के फूड होते हैं, तो उसे भी काट के आप दे सकते हैं, इसे छोटा छोटा स्लाइस करके। मेरा जो चौथा जो पॉइंट है वह है कि आप अपने केज की या कॉलोनी की साफ सफाई वीक में 2 या 3 बार कीजिए। अगर आपको ठीक तरह से टाइम नहीं भी मिलता तो आप वीक में एक बार भी साफ सफाई कर सकते हैं, क्योंकि ये समर का टाइम है। और एक बात है कि आप देखिए कि अगर आपके बर्ड्स के केज में अगर आप इंडोर में रखते हैं तो एक कहीं पर भी हब्स ना पैदा हो जाए, ठीक है, मतलब एक गर्मी का एक लेस और एक गर्मी का जो लू होता है, ठीक है, वो ना बह पाए, हर टाइम हवा की वेंटिलेशन होती रहे, एक तरफ से हवा आया और दूसरी तरफ से हवा निकल जाए, ये आप हर टाइम नोटिस कीजिएगा।
अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारे कूलर फैन भी आप लगा सकते हैं या फिर एग्जॉस्ट फैन भी यूज कर सकते हैं, जो किचन वगैरह भी यूज होता है। ये लगाने से और ये यूज करने से हवा की थोड़ी सी हेर फेर होगी, इससे आपकी बर्ड्स को सांस लेने में और ठीक तरह से खेलने में और फिट रहने में मदद मिलेगी। और आप मेरा जो पांचवा जो पॉइंट है हुआ कि आप जो डॉक्टर का जो पानी होता है, स्लाइन वाटर बोलते हैं, ओआरएस का पानी, ओआरएस का पाउडर जो मिलता है, वो पाउडर आप पानी में मिला के इसे दिन में एक बार या वीक में 4 बार या 5 बार दे सकते हैं। देने से बहुत ही आपके बर्ड्स को राहत मिलेगी। तो अगर आपके पास इस समर के सीजन में मेरा जो सातवां पॉइंट है, सॉरी पांचवा जो पॉइंट है वह कि अगर आपके पास आपके जो बर्ड्स हैं वो उस बर्ड्स को अगर इस समर के टाइम में भी हमने ब्रीड लिया है मटकी में या बॉक्स में, अगर हमने ब्रीड लिया है तो कोशिश कीजिएगा कि बॉक्स या मटकी का जो ढक्कन होता है उसे खोल कर रखने की। मतलब अगर आप ढक्कन को खोल के रखेंगे तो जहाँ पे बर्ड्स घुसता है वो हवा और जो ऊपर का ढक्कन का जो खुला सा जो पोर्शन है, वो दोनों पोर्शन अगर खुले रखेंगे तो हवा एक तरफ से आएगी और दूसरी तरफ से हवा निकल जाएगी, तो उससे आपकी बॉक्स या मटकी के जो वेंटिलेशन है वो बढ़िया रहेगी। तो उसके अंदर जो अंडे या जो बच्चे हैं वो नष्ट होने के चांसेस कम हो जाएंगे अगर आप गर्मी में ब्रीड ले तो। और आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, और पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। और वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और देखते रहिए मेरे ये चैनल पेट सिंपायर, ताकि मैं डेली नया नया वीडियो लेकर आ सकूँ। अगर आप लोग वीडियो देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो देखते रहिए मेरे ये चैनल पेट सिंपायर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।